इस तरते दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भीगा दे पूरी तरह। इस दर्दे दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भीगा दे पूरी तरह। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और बारिश के आखिरी भाग में आपका स्वागत है। आखिर अर्जुन चाहता क्या है? आपको क्या लगता है अर्जुन के दिल में क्या है? प्रिया का प्यार तो जग जाहिर है, लेकिन अर्जुन के दिल की बातें हम ठीक से जानते नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं अर्जुन के दिल की बात। अर्जुन और प्रिया को साथ में काम करते हुए अब लगभग 2 महीने हो गए थे। प्रिया अर्जुन को, उसके अंदाज को, काम करने के तरीके को बखूबी जानकर उसे असिस्ट कर रही थी। प्रिया की इंटर्नशिप अब खत्म होने को थी। अर्जुन ने प्रिया से कहा, तुम शायरी अच्छी लिखती हो, थिंक अबाउट क्रिएटिंग अ 2 मिनट फिलर फॉर टाइमलेस शायरी, समथिंग लाइक कोट ऑफ द डे, वर्क ऑन इट, प्रपोजल बनाओ, हम श्रीकांत को दिखाएंगे ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी मिलने में आसानी हो। थैंक यू सो मच अर्जुन, मैं तुरंत इस पर काम शुरू करती हूँ और आपको दिखाऊंगी। शनिवार की एक शाम थी। अर्जुन और मिताली एक खास प्रोग्राम खत्म करके बस अभी अभी रेडियो स्टेशन से निकले थे। मिताली ने बात छेड़ते हुए कहा, तुम प्रिया को पसंद करते हो ना? अर्जुन बौखला गए, क्या, क्यों, क्यों पूछ रहे हो तुम? यार वो मेरे स्कूल से है, मेरी जिम्मेदारी जैसी लगती है मुझे। I just want that she should fare good in life। मिताली ने आगे कहा, अर्जुन मैं तुम्हें 5 सालों से जानती हूँ, तुमने कभी किसी के लिए आउट ऑफ में जाकर कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम बिलीव करते हो कि सबको अपना सफर खुद तय करना होता है। तो फिर प्रिया के लिए ये एक्सेप्शन क्यों? उसको परमानेंट बनाने की तुम्हारी कोशिश? यस आई केयर अबाउट हर, शी इज अ सिंपल स्मॉल टाउन गर्ल मिताली, बस इसीलिए और कुछ नहीं, अर्जुन ने सफाई देते हुए कहा। और कुछ नहीं, पक्का? तो फिर प्रिया को एक डांट पड़ी और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, पहुंच गए उसे बचाने के लिए? क्यों अर्जुन, यू आर अ सेलिब्रिटी आर्जी, बहुत सारे लोग थे जो तुम्हारा असिस्टेंट बनना ज्यादा डिजर्व करते थे, और तुमने एक इंटर्न को अपना असिस्टेंट बनाया, क्यों? She is a bright girl. उसकी खुद की एक सोच है, दूसरों को खुश करने के लिए वो हाँ में हाँ नहीं मिलाती। She just needs right guidance. Oh, तो हम लोग उसे गलत गाइडेंस देते हैं क्यों? अरे ऐसा नहीं है मिताली, उस दिन उसे अपसेट नहीं देख सका मैं, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं अर्जुन। मिताली ये तुम कह रही हो? हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, गहरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता कामयाब नहीं रहा ना। शायद मैं प्रिया को पसंद करता हूँ, उसे खुश देखकर मुस्कुराता हूँ, उसे उदास देख ही नहीं पाता। उसकी मासूमियत, उसकी पचकानी अदाएं, उसकी आंखों की चमक, लेकिन लेकिन सिर्फ 2 ही तो महीने हुए हैं हमें जानकर, इस जान पहचान को प्यार का नाम देना सही है क्या? अर्जुन, प्यार होता है या नहीं होता है, इसका वक्त से कोई वास्ता नहीं है। प्रिया पागल है तुम्हारे लिए, कांट यू सी दैट?
लेकिन मैं यही हूँ, वो भी यही है, तो जल्दी क्या है? Let's be sure ना? अर्जुन, कोई गिरने के डर से वो चलना छोड़ देगा? अगर अपनी इंटर्नशिप के बाद वो ग्वालियर गई और वापस ही नहीं है तो क्या करोगे तुम? See Arjun, whatever happened between us, I still like you and want to see you happy. तुम दोनों को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। ये बात मुझे भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगी अर्जुन। फिर डर किस बात का है? थिंक अर्जुन, सोचो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अर्जुन सोच में पड़ गया। उतने में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। सामने एक टैक्सी जा रही थी। मिताली ने हाथ हिलाकर बुलाया। टैक्सी रुकी, मिताली अंदर गई। देखा तो अर्जुन वहीं खड़ा भीगता हो। मिताली ने कहा, अंदर आओ अर्जुन, तुम जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर से। अर्जुन ने कहा। मिताली निकल गई। अर्जुन बारिश में खड़ा था। यह प्रिया के साथ बिताए हुए सारे पल उसकी आंखों के सामने आने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन! वो प्रिया थी। अर्जुन ने पलट कर देखा। प्रिया उसके पास आई और कहा, आप अभी तक यही हैं? मिताली कहाँ है? उसे कुछ काम था। अच्छा, तो चले। चलो, अर्जुन ने कहा। क्या बात है, आप कुछ खोए खोए लग रहे हैं, प्रिया ने पूछा। जवाब में अर्जुन ने भी पूछा, तुम ग्वालियर जाने वाली हो? हाँ, सोच रही हूँ। अभी कुछ देर पहले फोन आया, माँ ने बुलाया, आपसे बात ही करना चाहती थी। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी अच्छा, एक बात कहूँ, मैं फिर से मरीन ड्राइव जाना चाहती हूँ, बारिश में आपके साथ। चलो चले, अर्जुन ने कहा। दोनों मरीन ड्राइव पहुंचे और समुद्र किनारे बैठ गए। प्रिया ने अर्जुन की तरफ देखा, वो भी प्रिया की ओर देखने लगा। प्रिया कुछ परेशान लग रही थी, कुछ ढूंढ रही थी अर्जुन की आंखों में, लेकिन फिर आंखें चुराकर उसने एक शेर कहा, उमड़ते हैं तेज लहरों से सैलाब भी, बारिश की बूंदों की ताजगी भी है, बस तुमसे मिलकर ही झुकती हूँ पलकें मेरी, जाने क्या छुपाती है ये निगाहें। वाह प्रिया, तुम अच्छा लिखती हो। थैंक्स, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या हूँ? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही मैं घर जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो, अर्जुन ने कहा। दोनों उठे और चलने लगे कि अचानक से तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। प्रिया का छाता उड़ गया।
तुम्हें एक पल में पूरी तरह भूल गई। ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था सामने। अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा, प्रिया ने अर्जुन की ओर देखा और दोनों एक छाया की तलाश में भागे। वहां पहुंचकर भी अर्जुन ने प्रिया का हाथ नहीं छोड़ा, प्रिया की आंखों में देख रहा था। एक दर्द, कुछ बेचैनी सी थी दोनों की आंखों में। प्रिया ने हाथ छुड़वा लिया। अर्जुन ने कहा, कुछ देर हमें रुकना होगा, इतनी तेज बरसात में जाना ठीक नहीं। कुछ देर बाद बारिश कम हो गई। अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और समुद्र के पास ले गया। वहां पहुंचकर अपने दोनों हाथों में अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें क्या लगता है प्रिया, मैं तुम्हारी आंखें नहीं पढ़ सकती। तुम्हें शायरी के सहारा लेने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। तुम्हारे दिल की बातें मैं महसूस कर सकता हूँ। जानता हूँ तुम डर रही हो इस बार कॉलेज जाने से। सब समझता हूँ प्रिया, बस तुम्हें अनजाने में तो ठेस ना पहुंचे यही सोच रहा था। लेकिन अब मेरा डर, मैं अपने प्यार पर हावी नहीं होने दे सकता। प्रिया की आंखें झलक गई। अर्जुन, प्रिया ने कहा, उसकी आंखें पोंछते हुए अर्जुन ने कहा, आई लव यू प्रिया, आई रियली लव यू, ट्रूली डीपली लव यू, आई लव यू। आज से नहीं, शायद हमेशा से, शायद पहली बार तुम्हें बारिश में मुस्कुराते देखा तब से। कुछ और सोचा ही नहीं, कुछ और चाहा ही नहीं, जिस तरह तुम्हें चाहा। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरे दिल में छुपते हैं, फिर भी इस एहसास से भागने की कोशिश की। अर्जुन, आई लव यू टू, आई लव यू वेरी मच। अर्जुन ने प्रिया को गले लगा लिया। हम जितना अपने जज्बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वो उतना ही तेज उमड़ आते हैं। सच है, हमारे जज्बात जाहिर होने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेते हैं। अर्जुन के जज्बातों ने भी जाहिर होने का रास्ता ढूंढ लिया। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? और अगर पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अगली कहानी पेश करने तक फिलहाल के लिए अलविदा। जाने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ, उम्मीद है कि आपकी इजाजत होगी। बेकरारी सी है हल्की हल्की, बेकरारी सी है हल्की हल्की, बेख्याली में है जा कुछ बहकी बहकी। यूं तो अधूरा महसूस किया नहीं था अब तक कभी, यूं तो अधूरा महसूस किया नहीं था खुद को अब तक कभी, लेकिन तुम्हारे होने से बात कुछ और होती है मेरी, लेकिन तुम्हारे होने से बात कुछ और होती है मेरी। उमड़ते हैं तेज सैलाब दिल में, उमड़ते हैं तेज लहरों से सैलाब दिल में, बारिश की बूंदों की ताजगी भी है इनमें। बस तुमको ही देखकर झुकती है पलके ये मेरी, बस तुमको ही देखकर झुकती है पलके ये मेरी। जाने क्या छुपाती है तुमसे ये निगाहें मेरी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।